पेच है ये एक मुंह वाला पेचकस वाला जो होता है ये वो है, और अगर पीछे आ जाएंगे तो इसके अंदर कितने सारे बोल्ट लगे हुए हैं, नट जो लगे हुए, सॉरी कितने सारे नट लगे हुए देख। Hey, welcome back to my channel. This is me, your brother Danish. तो तुम्हारा भाई आज तुम्हारे को comparison दिखाएगा roots और कौन से असली होते हैं कौन से नकली होते हैं। कभी भी आप बाहर से परचेज करते हो, करोल बाग से या मदनगीर से या कहीं से भी आप परचेज करते हो, तो मेक श्योर आपको ध्यान पता होना चाहिए कि भाई कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा लोकल है, कैसे आप जस्टिफाई कर पाओगे कि इसकी क्या क्या पहचान होती है। अगर सपोज आपको शॉप वाला बोलता है कि नहीं भाई ये ओरिजिनल है, तो आपको कैसे पता चलेगा, कैसे उसको आप कंपेयर कर पाओगे ओरिजिनल और लोकल से। ठीक है गाइस, तो चलो आज मैं इसका कंपेरिजन करके दिखाता हूँ आपको। गाइस जैसे कि यहाँ पे दो पीस रखे हुए ब्रांड न्यू, अभी ये अभी फिलहाल दो पीस यहाँ पड़े हुए हैं करंट में, बाकी दो पीस बिक चुके हैं सुबह से, तो एक मैं उठा लेता हूँ। तो इसको लेके चलते हैं साइड में ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, तो गाइस कुछ इस तरीके की पैकिंग आती है। देखो नया जब आप लोगे तो नए के ऊपर देख सकते हैं ये तीन मर्सिडीज वाला साइन दिख रहा होगा आपको, ये एक तो पहले आपको देखना है। ठीक है, और अगर ये मान लो ये भी दिख रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे से पीछे से देख लो, कुछ इस तरीके का डब्बा होता है इसका। ठीक है, और इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है देख सकते हैं आप, 12 वोल्ट का है, 1275 MRP है। ये क्यों है 1273 सॉरी 73 समझ जाएंगे आप। तो गाइस ये पता नहीं क्यों इन्होंने इतना रेट कम लिखा हुआ है, बट शायद इसके ऊपर कुछ टैक्स लगता होगा, इस वजह से इसका रेट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। बाकी इसका जो है कुछ मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ कि अंदर से निकलता कैसा है ये। ठीक है जी, ये अनबॉक्स करेंगे कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसी पैकिंग मिलेगी। और ओरिजिनल के अंदर ये हमारे को मिलता है देखने के लिए, एक सेकंड में भाई को कैमरा पकड़ा देता हूँ, भाई पकड़ो जरा कैमरा। तो इसके अंदर हमारा कुछ एक मैनुअल गाइड मिल जाता है, एक ऐसा पर्चा सा मिलेगा आपको, इसके अंदर इसकी मतलब लिखा हुआ इसके बारे में। ठीक है, और ये इसके मतलब कनेक्शन कैसे कैसे करने हैं ये आप देख सकते हैं, मैं सीधा कर देता हूँ, वीडियो स्टॉप करके आप देख लेना। ठीक है, ठीक है, तो कुछ ऐसा इसमें से एक पेज निकलेगा और ये ओके आई सी। तो गाइस जो 1275 रुपए इसमें लिखे हुए ना वो आप समझ में आया, वो इसलिए लिखे 1273 मतलब की 1273 वो सिंगल पीस के हैं गाइस, सिंगल पीस की, तो समझ गए आप। और दूसरी चीज जब ये बाहर निकालोगे हाथ में तो इसके स्क्रू देख सकते हैं आप, ये स्टार वाले हैं, स्टार पेचकस वाले जैसे कि होते हैं, चार मुंह वाला पेचकस बोलते हैं हम। तो पहली जो है चीज वो ये है। ठीक है, और दूसरा जो इसका जो फ्रेम है ये मैं आपको साइड में दिखाता हूँ, देखो कैसा है। ठीक है, थोड़ा पतला है और थोड़ा सा चपटा टाइप है। ठीक है, और इसके अंदर तीन ये लाइन दिखेंगी, कुछ मर्सिडीज वाला लुक आपको ये देगा। ठीक है, और वेट भी आपको पता चल जाएगा, वेट से भी आप जज कर सकते हैं। और साथ के साथ अगर बात करेंगे इसकी दूसरी चीज पता करने की, तो इसके अंदर आप पेच देख सकते हैं कितने छोटे छोटे यहाँ पे बोल्ट लगे हुए हैं। ठीक है, ऊपर से आपको पेचकस वाला पेच दिखेगा, अंदर से आपको नट दिख जाएगा यहाँ से। ठीक है, नट देख लो आप कितने इसके अंदर, 2, 4, 6, 8। ठीक है गाइस, तो 8 नट लगे हुए इसके अंदर। तो ये हो गया दूसरी चीज, पहली चीज हमारी होगी ग्रिल, दूसरी हो गई ये साइन, और तीसरा हो गया हमारा 8 इसके अंदर नट। ठीक है, अब चौथी चीज जो हम पता करेंगे चेक करेंगे, जो इसके अंदर ये देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं बेसिकली भोगली। ठीक है, तो इसके अंदर 6 पत्तियां होती हैं, 2, 4, 6 पत्तियां हो गई, और साथ में इसका जो साइज है भोगली का वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें ये हो गया चीज कंपेयर करने का। और दूसरी बात, इसके अंदर यहाँ पीछे आप कभी लोकल लोगे उसमें ब्रांडिंग नहीं मिलेगी रूट्स की, तो यहाँ पे रूट्स मिल जाता है आपको, ब्रांडिंग देख सकते हैं यहाँ पे, और साथ के साथ यहाँ पे 12 बोल्ट मिलेगा और लिखा होगा मेड इन इंडिया, देख सकते हैं यहाँ पे अपने इंडिया की ब्रांडिंग दिखेगी आपको। अभी मैं कन्नू लोकल उठा वहां से, वो उधर पड़ा, वो रहा, हाँ ये रहा। तो अभी मैं आपको लोकल दिखाता हूँ कि लोकल की क्या खासियत होती है। तो लोकल देखो, ये इसमें चार लाइन आ रही है। ठीक है, फुल डॉक्टर वाला साइन दे रही है ये। ठीक है ना, तो एक तो ये पहचान है, दूसरी पहचान इसकी जो क्रोम है ये ऐसी नहीं है, इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक या फाइबर से मिलता जुलता होगा। और अगर इसकी बात करेंगे तो ये प्योर लोहा है गाइस, मेटल, इसका क्रोम और इसका क्रोम दोनों को आप जज कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं शाइन। ठीक है, हालांकि ये भी नया है बट इसके शाइन और इसके शाइन में बहुत अंतर है। अब जैसे कन्नू इस पे हाथ उंगली मार रहा, नाखून देख रहा, ये प्लास्टिक है इस पे मार, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ओरिजिनलिटी क्या होती है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे रूट्स की ब्रांडिंग मिलेगी आपको फ्रंट पे, और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ओएलएक्स। भाई जैसे ओएलएक्स से खरीदी हो, ये ओएलएक्स की ब्रांड नहीं कर रहा है, ओएलएक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, OLEX ओएलएक्स। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो पेच है, ये एक मुंह वाला पेचकस वाला जो होता है ये वो है, और अगर पीछे आ जाएंगे तो इसके अंदर कितने सारे बोल्ट लगे हुए हैं, नट जो लगे हुए, सॉरी कितने सारे नट लगे हुए देख सकते हैं। मतलब कि इन्होंने तो कुछ ज्यादा ही भरम में आ गया कि जितने नट होंगे उतना बंदा पागल बन जाएगा देख के, भाई बहुत सारे नट है तो भाई ये ले लो।
और दूसरी चीज बात करेंगे इस चीज की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ की इसमें लिखा होता है मेड इन इंडिया, ठीक है। तो जो चीज ओरिजिनल है उसमें ठोक बजा के लिखता है इंसान मेड इन इंडिया, और ये लोकल है इसलिए इसमें लिखा हुआ है ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। सोलेक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे जहाँ पे रूट्स की ब्रांडिंग यहाँ पे में दिख जाती है, यहाँ पे भी नहीं है, देख सकते हैं गाइस, दोनों में इसमें है और इसमें नहीं है कहीं पे भी, ठीक है गाइस। और अगर भोगली की बात करें, जैसे मैंने बताया था आपको इसकी भोगली बड़ी होती है, तो इसकी भोगली देख सकते हैं कितनी चपटी सी है, ठीक है। इसके साइज में और उसके साइज में बहुत अंतर है, और इसमें भी 6 पत्ती दे रखी है, 2, 4, 6, चलो पत्ती को आप मत देना, सिर्फ भोगली देख लेना, ये नट देख लेना बहुत सारे, ठीक है। और सबसे बड़ी पहचान तो यही है भाई साहब, ये फाइबर का है। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गई कि तुम्हारे भाई ने जो आपको डिटेल बताई है कि कैसे आपको पहचान करनी है लोकल और ओरिजिनल में, ठीक है। और इसके रेट जो है, जैसे कि उसमें देखा आपने 1273 उसमें मार्किंग हो रही है सिंगल पीस की, जैसे कि एक डब्बा यहाँ रखा है तो एक इसमें और होगा, ठीक है गाइज। तो दोनों का जो रेट आता है वो अराउंड 2000, 2100, 2200, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि मनीष अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको इसका जो रेट है वो एक्चुअल वो भी डिस्क्लोज कर देता इस वीडियो के अंदर, बट डजंट मैटर, मनीष का नंबर मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर लेना अगर आपको लगवाने हो। तो इसकी लेबर कॉस्टिंग जो भी अमाउंट आप मनीष आपको बताएगा, लाइक उसने बताया आपको 2200 रुपए सपोज, तो 2200 रुपए के अंदर आपका फिटिंग चार्ज भी उसमें इंक्लूड होगा, बट जो उसके अंदर रिले लगेगी, जो उसके अंदर रिले तो नहीं मिलती ना इसमें, वायरिंग मिलती है नहीं, कुछ नहीं मिलता, वो अलग से लेना पड़ता है, वो कितने की कुछ आइडिया? 200 रुपए रिले और वायरिंग दोनों में। तो भाई जैसे कि भाई बता रहा है, हमारा आशीष भाई है, बहुत दिनों बाद वीडियो में आया, एक बार हंस दे तुम्हें, हाँ है इसकी स्माइल बड़ी अच्छी रहती है। तो गाइस क्या सीन है कि भाई ने बताया 200 रुपए की वायरिंग मिल जाती है, इसके अंदर हमको रिले मिलती है, और इसकी जो कपलर वाली, जो कपलर थिम्बल वाली वायरिंग मिलती है, तो गाइस वो मिल जाएगा 200 रुपए में, फिटिंग इंक्लूड होती है, बाकी जो रेट है वो मनीष बता देगा आपको। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी बहुत नॉलेज जो मैंने आपको दी है, मतलब क्लियर करने के लिए कि भाई लोकल ओरिजिनल कैसा होता है। सेकंड हैंड भी परचेस करने के किसी दोस्त है, तो होता है ना कि भाई तुम उससे 1000 रुपए में ले ले, या मुझसे 500 में ले ले, मैंने नए लगवाए थे, ऐसा होता है भाई, फ्रेंड सर्कल में हो जाता है कई बार, ठीक है गाइस। तो उसमें क्या होता है कि आपको पहले चेक कर लेना है कि भाई वो ओरिजिनल है या नहीं है, कि पता चले तुम्हारा दोस्त कट के आया हो और तुम्हें भी काट रहा हो, ठीक है गाइस। तो इसलिए भाई चेक कर लेना, मस्ट है चेक करना, और उसके बाद ही पेमेंट करना, चलो ठीक है गाइस। वीडियो लंबी ना हो रही है, इस चक्कर में भाई वीडियो को मैं एंड करूंगा इसी नोट पे। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर लो चैनल अगर नहीं किया है तो। और भाई कार की वीडियो डालता रहता तुम्हारा भाई, कार की वीडियो क्यों देख रहे हो तुम, प्यार बरसाओ और प्लीज घंटे को हिलाओ, कौन सा घंटा, सब्सक्राइब के ऊपर वाला, कोई और मत समझ लेना, चलो ठीक है, बाय बाय।